दिल्ली में फिर किसानों की गर्जना। अब क्यों रैली कर रहे हैं किसान? क्या है किसानों की मुख्य मांगे? किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय किसान संघ BKS देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को किसान गर्जना रैली कर रहा है। BKS किसानों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। संगठन ने अब सड़क पर उतरकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली में 50-60 हजार किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। देश भर से किसान करीब 700 से 800 बसों और 4000 प्राइवेट वाहनों में आएंगे। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान गर्जना रैली के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। भारतीय किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसानों से जुड़ी मांगों को दिल्ली में रैली कर अपना विरोध जताया जाएगा। 600 जिलों के किसान शामिल होंगे। दरअसल FSSAI प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। BKS की कार्रवाई समिति के सदस्य नाना आखरे ने कहा कि जो किसान देश को अनाज, सब्जियां, फल, दूध आदि प्रदान करते हैं, आज अपनी कृषि उपज पर उचित लाभ नहीं मिलने की वजह से बहुत निराश है और वो इस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये हैं किसानों की मांगे। सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य के भुगतान की मांग। कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर GST नहीं लगाया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। अनुवांशिक रूप से संवर्धित GAM सरसों के बीज को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए। किसान के ट्रैक्टर को 15 साल वाली नीति से बाहर रखने की मांग। किसानों की रैली को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक रैली में करीब 55,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। ये किसान 700 से 800 बसों और करीब 4000 निजी वाहनों से दिल्ली आएंगे। ऐसे में दिल्ली में ट्रैफिक जाम होने की पूरी संभावना है। किसानों की रैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में ट्रैफिक को देखते हुए आज कई सड़क बंद रहेंगी, वहीं कई रूट में भी बदलाव किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि उन्होंने भारतीय किसान संघ द्वारा सोमवार को मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाने वाली